वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोएट्री द ट्रीज. द ट्रीज को लिखा है एड्रियन रिच नाम के एक अमेरिकन पोएट ने. यहाँ पे पोएट ने ट्रीज वर्ड को सिंबॉलिकली यूज़ किया है. द ट्रीज आर मेटाफर टू वुमेन इन द सोसाइटी. लेट अस बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएट्री लाइन बाय लाइन. पोएट यहाँ पे बोलती हैं, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट. द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट. No insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. इसका मतलब यहाँ पे पोएट ये बोलना चाह रही है कि जो ट्री है उसका कन्फाइनमेंट घर के अंदर है. तो एक्चुअली ट्रीज ऐसा होता नहीं है, ये इमूवेबल होते हैं. और कहीं ना कहीं रियलाइजेशन ये होता है कि सिम्बॉलिक मीनिंग निकाला जा रहा है. वी इंटरप्रेट द ट्रीज रेफर टू फीमेल्स जिनको कहीं ना कहीं खुद से हीलिंग हुआ है और वो अब घर से बाहर निकल रही हैं फॉरेस्ट से, ताकि वो अपनी प्राइमरी पर्पज़ को फुलफिल कर सकें जो इंसानियत के प्रति है. उसके बाद ये बताया गया है कि यहाँ जो फॉरेस्ट है वो एम्प्टी रहा है, इतने सारे दिनों से खाली था. यहाँ पे कोई बर्ड जो थी वो देखी नहीं जा सकती थी, और जो सन है वो अपनी शैडो को इस पेड़ के नीचे बरी नहीं कर पा रहा था. और यहाँ से रिमाइंडेशन ये होता है कि पूरी रात को द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, यहाँ पे पूरी रातों रात ये चीज़ होगी और सुबह तक सारे जो पेड़ है वो वहाँ चले जाएंगे. कई सारे लिटरेरी डिवाइसेस इस पैराग्राफ में यूज़ किए गए हैं. पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है सन के लिए, जिसको बोला गया कि वो अपनी फीट को बरी कर रहा है. अब सन के फीट हो नहीं सकते हैं तो यहाँ पर उसको पर्सोनिफाई किया गया है. और इसके अलावा एनाफोरा वर्ड फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है. अगर आप देखें फर्स्ट और सेकेंड लाइन द से स्टार्ट होती हैं, और जो आपकी फिफ्थ और फोर्थ लाइन है वो नो से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे एनाफोरा का भी यूज़ किया गया है. लेट अस सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. इन नेक्स्ट पैराग्राफ द पोएट सेज, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर. द लीव्स स्ट्रेन देम्स टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स टिप विद एक्सर्शन. लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिकल डोर्स. अब इस पैराग्राफ में यहाँ पे कई सारे नए नए वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स मैं बता देता हूँ. डिसएंगेज का मतलब होता है रिमूव करना, स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर डालना. तो यहाँ पे पोएट ये कहती हैं कि सारी रात को जो रूट्स है वो वर्क करती हैं ताकि वो अपने आप को खोल सकें और इन क्रैक से अपने आप को बाहर ला सकें. मतलब वो जो वरांडा के फ्लोर में लगी हुई हैं वहाँ से निकल के लीव जो हैं वो या पेड़ हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं. जो लीव्स हैं वो अपने आप को स्ट्रेन करती हैं, प्रेशर देती हैं ग्लास के ऊपर. स्मॉल ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब होता है छोटी छोटी स्टेम्स जो प्लांट्स की होती हैं, वो ग्लास की तरफ जाते हैं और उनको एक्सर्शन करते हैं. लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज, बोज मतलब होता है ब्रांचेस, जो लंबी लंबी ब्रांचेस हैं वो शफल करती हैं रूफ के नीचे, घर के नीचे. जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, यहाँ पे लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है विच इज़ सिमिली. हाफ डेज्ड, जैसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अभी अभी डिस्चार्ज किया गया है, जो आधी नींद में हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर निकल के जा रहे हैं टू द क्लिनिक डोर्स. नेक्स्ट पैराग्राफ लेट अस सी. यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट कहती हैं, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स. यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है लॉन्ग लेटर्स में. इन विच आई स्केर्सली मैंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. अगेन फॉरेस्ट फ्रॉम में एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है इन दो लाइन्स में. द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइचिन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स. तो यहाँ पे पोएट ये बोलती हैं कि वो बैठ के अपने लेटर्स को लिख रही हैं, लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं, और उनको कोई चीज़ का डिपार्चर जो यहाँ पे हो रहा है, जो पेड़ जा रहे हैं, जो जंगल घर से निकल के बाहर जा रहा है, उसका वो मेंशन नहीं कर रही हैं. जो बाहर का सिनेरियो है, जो इमेजरी यूज़ करी गई है, द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स, एक बहुत ही सुंदर सा चांद देखने को मिलता है, और स्काई स्टिल, एलिट्रेशन यूज़ किया है, स्काई स्टिल ओपन, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइचिन. यहाँ पे लीव्स और लाइचिन की स्मेल दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती का एहसास होता है. इमेजरी यूज़ किया गया है, एंड इट रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स. लाइक वर्ड का यूज़ किया है, तो अगेन सिमिली. यहाँ पे और भी फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, जैसे इमेजरी का यूज़ किया गया है कि जो लीव्स हैं वो जा रही हैं. पोएट ने एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश करी है जिसमें मून भी है, नाइट भी दिखाई गई है. माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट. लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट, विंड्स रश टू मीट देम, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. Its peace flash now in a crown of the tallest oak. तो इन लाइंस में वो ये बोलती हैं कि जो उनका सिर है उसमें बहुत सारे विस्पर्स, क्योंकि वो अपना काम कर रही हैं वहाँ पे, उनको बहुत ज़्यादा खुसर पुसर सुनाई दे रही है, जो कि कल तक साइलेंट हो जाएगी,
क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो पेड़ हैं जो घर के अंदर है वो बाहर चले जाएंगे. द ग्लासेज आर ब्रेकिंग, जो घर में कांच लगे वो टूट रहे हैं. पेड़ जो हैं वो स्टम्बल कर रहे हैं, एक के ऊपर एक लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि वो घर से बाहर जा रहे हैं. इन टू द नाइट विंड्स रश टू मीट देम, यहाँ पे विंड को परसोनिफाई किया गया है, जैसे कोई बिछड़ा हुआ भाई मिल रहा है वैसे विंड जो है वो पेड़ों को पकड़ने के लिए आ रही है. द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है, ये बोला गया कि चांद जो है वो टूटा हुआ है मिरर के जैसा, और उसका जो एक पीस है वो ओक के पेड़, ओक का जो पेड़ होता है उसके ऊपर ऐसा लगता है कि वो उसका ताज है या उसका क्राउन है. आई होप मेरा ये वीडियो आपके काम आया हो. प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू कीप अस मोटिवेटेड. थैंक यू.